जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीआर न्यूज में। तो आज आपका एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम का ये थर्ड मॉडल पेपर होगा 2021 एग्जाम के लिए। मॉडल पेपर थर्ड होगा, ठीक है। तीसरा मॉडल पेपर है 2022 एग्जाम के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको डाटा अवेलेबल करा दिया, पीडीएफ और ऐप। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में अवेलेबल कराऊंगा। पीडीएफ पेड कोर्स होगा तो आप वेट करेंगे पीडीएफ के लिए, ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक में। और जिनको अभी हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको डाटा चाहिए, हिंदी में तो वीडियो में भी अपलोड कर देता हूँ, इंग्लिश में जिनको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे वीडियो का, वहाँ पे सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे सारे है मॉडल पेपर, ठीक है, वहाँ से याद करेंगे। टोटल आपका 1 घंटे का होता है, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स होते हैं। हर साल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, किसी भी वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, कोई भी क्लास पूरा करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। इसमें से 80-90% क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर थर्ड मॉडल पेपर का। वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता देंगे कि मॉडल पेपर आ गए हैं। फर्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम लिखो। हु आर द फर्स्ट लेडी गवर्नर। लेडी गवर्नर तो पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब वीडियो लास्ट तक देखना, क्लास पूरा करना, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यानी आर्मी डे। आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। बहुत लोग सरदार वल्लभ पटेल लिखते हो तो ध्यान देना सरदार बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, तो आप केवल अशोक स्तंभ में लिख सकते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ में राजकीय प्रतीक। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर एट, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, धारा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को कितने भागों में विभाजित किया गया और कौन कौन? दो क्वेश्चन, कितने भागों में और कौन कौन? जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट जम्मू कश्मीर और सेकंड लद्दाख। अब अच्छे से याद रखना, ठीक है, फुल आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अभी 2021 में, तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 12, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम होता है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत ध्यान देंगे, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, तो भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, भारत का वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। क्वेश्चन नंबर 15, विजय दिवस कब मनाते हैं? तो विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 16 दिसंबर। एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन है, पूरी क्लास करना, ठीक है, सारे अलग अलग क्वेश्चन है और सारे आपके एग्जाम में पूछे गए। इसमें से 80-90% आपके हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, 80-90% अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, अभी पीडीएफ आपको दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है 2021 में? तो अभी वर्तमान में विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रहण्यम जयशंकर है। क्वेश्चन नंबर 19, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, यानी एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है अभी 2021 में? हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, आप 22-23 वाले सर्च करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा, यानी नेशनल ट्री कौन सा भारत का? तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़, यानी बनियान ट्री, ठीक है, बनियान ट्री इंग्लिश में आप लिख देंगे या फिर बरगद का पेड़, ठीक है, बहुत लोग पीपल वगैरह लिखते हो तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, इनकलाब
जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद आजम भगत सिंह ने दिया, ठीक है, तो भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे। अब इसमें कुछ लोगों को गणतंत्र और स्वतंत्र नहीं समझ में आता, गणतंत्र रिपब्लिक होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, तो रिपब्लिक डे हम लोग गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताएं, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का नाम बताना, जो 2021 में भी है, तो अभी श्री रामनाथ कोविंद और मिस्टर वेंकैया नायडू है, तो दोनों का आंसर लिखने होगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन उतना आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, करोई अमरो का नारा किसने दिया, तो करोई अमरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, यानी नेवी डे कब मनाया जाता है, तो नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी, मतलब भारत में नेवी की स्थापना कब हुई थी, तो नेवी की स्थापना भारत में 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आराम हराम है का नारा किसने दिया, इसमें बहुत लोग आप लोग गलत करते हो, महात्मा गांधी क्या क्या लिखते, तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है, पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई थे, ठीक है, जॉन मथाई। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, मतलब राष्ट्रीय फूल कौन सा है भारत का, तो राष्ट्रीय फूल कमल यानी लोटस का, ठीक है, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रगान क्या है, नेशनल एंथम, तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। 32 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, तो ये नारा मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया, ठीक है, मंगल पांडे। आप लोग सारे अच्छे से याद करा, नारा में आप लोग बहुत गलत करते, किसी का भी मतलब आप ध्यान नहीं देते और कुछ भी बता देते। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाते। 35 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 36 नंबर, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी, यानी नेशनल रिवर कौन सी भारत की, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, कुछ लोग लॉयल लिखते हैं गधे, तो गलत होगा, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर है, ठीक है, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 39, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। एक मॉडल पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, तब सारे क्लास अच्छे से करना, टोटल 10 से 12 होगा, ठीक है, मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 40, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 41, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ध्यान देंगे भारतीय पूछ दिया, मतलब भारत का पहला नागरिक जो गवर्नर जनरल बना वो थे सीराज गोपालाचारी, ठीक है। 42 नंबर, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे, मतलब भारत के पहले आर्मी चीफ कौन थे, थल सेना अध्यक्ष, भारत के पहले आर्मी चीफ जनरल राजेंद्र सिंह जी थे, ठीक है, जनरल राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा किसने दिया, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा रामप्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, ठीक है, तो रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 45, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, यानी टीचर्स डे, काफी ये तो सबको पता होगा, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट बाल दिवस कब मनाते हैं, तो बाल दिवस 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 48, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा
सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। और 50 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, मतलब किस ईयर में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1947 में बने थे, ठीक है। तो आज के टोटल 50 क्वेश्चन आपके हो गए इस मॉडल पेपर के, थर्ड मॉडल पेपर के। इसके बाद अभी आपके अभी 9-10 मॉडल पेपर होगा, ठीक है, तो एक एक करके सारा अपलोड करूंगा, तो आप लोग सभी याद करेंगे सारे मॉडल पेपर, टोटल क्वेश्चन याद करना। और जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ प्लस ऐप, ये दिसंबर का फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा, ठीक है। ज्यादा पैसा नहीं होगा क्योंकि गूगल को पैसे देने पड़ते ना, गूगल पे अपलोड करना है पीडीएफ, तो 200 से 300 पैसे होगा, 200-250। तो और उसमें आपका टोटल मॉडल पेपर होगा और उसमें प्रैक्टिस सेट, मैथ प्रैक्टिस सेट होगा, ताकि उसको प्रिंट निकलवा के और आप उस पर लिमिट समय में, एक घंटा का समय होता है ना आपको 50 क्वेश्चन पे, आपको 45 मिनट में या 50 मिनट में टोटल क्वेश्चन, टोटल मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर 50 मिनट में सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक घंटे का समय नहीं आपको लेना होगा, तब आप जाके आपकी परफेक्ट तैयारी होगी। तो पीडीएफ आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में, और इस तरह से आपकी रेगुलर क्लासेज होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट फोर्थ मॉडल पेपर के साथ, आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।